दिल्ली की सरकार थी वो भी घाटे में चल रही थी, बुरी तरह से घाटे में चल रही थी, सीएजी की रिपोर्ट है। आज 6 साल के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। तो ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है, समझ गए? केवल 30,000 रुपए खर्च करते हैं, फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है, ये पैसा जाता कहाँ है? अगर दिल्ली में 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करके हम बिजली मुफ्त देते हैं, पानी मुफ्त देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं, तो पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक पंजाबी के ऊपर साल में खर्च करके कहाँ जाता है सारा पैसा? ये सारे माफिया बंद करेंगे, बिजली कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ खत्म करेंगे, हर पंजाबी को मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। जो पंजाब है उसका आप जारी नहीं करेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे, बल्कि आप पूरी पहली राजनीति की नकल देना। नंबर 1, इकट्ठा मैं भूल जाऊंगा, एक एक करके पूछ लो, मैं पहले वाले का जवाब दे देता हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। 2013 में हमने नई नई पार्टी बनाई थी, नए नए राजनीति में आए थे। उस वक्त मैंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो पत्रकारों ने यही पूछा था मेरे से कि जी पैसा कहाँ से लाओगे, सारा फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, दूसरी पार्टियाँ भी फ्री की बात करती हैं, आप भी फ्री की, पैसा कहाँ से आएगा? आज 6-7 साल के बाद हमने करके दिखा दिया। उस टाइम जो बिजली कंपनियाँ थी दिल्ली में घाटे में चल रही थी, सारी बिजली कंपनियां, दिल्ली की सरकार थी वो भी घाटे में चल रही थी, बुरी तरह से घाटे में चल रही थी, सीएजी की रिपोर्ट है। आज 6 साल के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। तो ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। एक मिनट सुन, मेरी बात सुन लो, पूरा जवाब तो सुन लो। सप्लीमेंट्री सारे जवाब दे दूंगा मैं, रुको एक मिनट। पर आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो, साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है, समझ गए? केवल 30,000 रुपए खर्च करते हैं, फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़, 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है, ये पैसा जाता कहाँ है? अगर दिल्ली में 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करके हम बिजली मुफ्त देते हैं, पानी मुफ्त देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं, तो पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक पंजाबी के ऊपर साल में खर्च करके कहाँ जाता है सारा पैसा? ये रेता माफिया में जाता है, ये शराब के माफिया में जाता है, ये पता नहीं कितने माफिया बने पड़े हैं पंजाब के अंदर, ये सारे माफिया में जाता है। ये सारे माफिया बंद करेंगे, बिजली कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ खत्म करेंगे, हर पंजाबी को मुफ्त बिजली दिलवाएंगे।